पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। इस घातक वायरस की दवा अब तक कोई भी देश नहीं बना सका है, लेकिन अब पतंजलि योगपीठ ने बड़ा दावा किया है। पतंजलि का कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा बना ली है। ये दवा आयुर्वेदिक है, जिससे उन्होंने कई मरीजों को ठीक करने का दावा भी किया है। पतंजलि की तरफ से ये बात आचार्य बालकृष्ण ने की है। बालकृष्ण ने कहा है कि पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा बनाई है। ठीक हुए सैकड़ों मरीजों का डेटा भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि दवा का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का रिजल्ट भी आने वाला है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि ये दवा पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि दवा लेने वाले 80% लोग ठीक भी हो चुके हैं। पतंजलि का ये दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब देश कोरोना की चपेट में है और हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी तक भारत में कुल मरीजों की संख्या 2,97,000 को पार कर चुकी है, और ऐसे में अगर ये दावा सही होता है तो भारत के लिए एक राहत की बात होगी। न्यूज़ डेस्क।